अगर आप अपनी डायबिटीज़ को लेके बहुत परेशान हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत उदास हो चुके हैं, एंग्जाइटी हो रही है, तो इस वीडियो को बिल्कुल आपको पूरी तरह से अंत तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही सहज प्रैक्टिस साधना बताऊँगा, जिसकी मदद से आप अपनी इस एंग्जाइटी से बहुत ही आसानी से बाहर आ सकते हैं। पर उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, निःशुल्क है, बटन बिल्कुल नीचे है। नमस्कार, धन्यवाद। मेरा नाम विक्रांत सावंत है और मैं मदद करता हूँ डायबिटिक्स की, उनकी डायबिटीज़ में से रिलीज़ दिलाने में हमारे मधुनाशिनी प्रोटोकॉल के माध्यम से 21 दिन के अंदर। अभी जो मुझे आपको बताना है वो है स्पेसिफिकली एक प्राणायाम, जिसे हम बोलते हैं सहज प्राणायाम, जहाँ पे सहजता से आप केवल अपने ब्रेथ को प्राण में कन्वर्ट करते हो। तो उसको कैसे करना है और उसका इम्पैक्ट क्या होता है? तो जब आप ये स्पेसिफिक प्राणायाम करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ब्रेथ श्वास में कन्वर्ट होती है, और उस श्वास के साथ जब आप एक सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक रहते हैं तो ये श्वास प्राण में कन्वर्ट होने लगता है, और उसका इम्पैक्ट स्ट्रेट अवे आपके हार्ट के कंडीशन के ऊपर, स्पेसिफिकली सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक के ऊपर दिखने लगता है, जहाँ पर आपके नंबर्स कम होने लग जाते हैं। करना कैसे है? आपको आपकी मुट्ठी से, आपको इस तरह से अपनी मुट्ठी बनानी है, और इस मुट्ठी को आपको आपके चिन के नीचे यहाँ पर कुछ इस तरह से रखना है। अब श्वास जब आप लेंगे, आप नाक से श्वास लेंगे और अपने चिन को पैरेलल रखकर मुंह से श्वास छोड़ेंगे, और जब आप मुंह से श्वास छोड़ रहे हैं तब आप अपने टंग को ऊपर की ओर रखकर धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ेंगे। तो मेरे साथ करेंगे आप सभी लोग, ओके? चलें करें। इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर माउथ। वंस अगेन, इनहेल, एक्सहेल थ्रू योर माउथ, कीपिंग द टिप राइट ऑन द अपर पैलेट। Once again, inhale and exhale through the mouth. Once again, inhale and exhale through the mouth. अगर इस समय आपने मेरे साथ ये प्रैक्टिस की है तो बाय डिफॉल्ट आप बहुत शांत महसूस करने लगेंगे, एंड यू विल स्टार्ट सीइंग द डिफरेंस, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपके शरीर में प्राण उत्प्रेरणा होना शुरू हो जाएगा। अब ये प्रैक्टिस को आपको दिन में कम से कम 3 बार, अगर आप खाली पेट करते हैं तो बहुत अच्छा है, और उसी को आपको प्रैक्टिस को कम से कम 3 बार मिनिमम 15 से 20 बार करना है, और जैसे ही आप ये करेंगे आप खुद ब खुद आपके नंबर्स के अंदर डिफरेंस देखना शुरू कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, तो इसे बिल्कुल अपने दोस्तों और मित्रों के साथ बिल्कुल शेयर करें, और हमारे अगले वीडियो के लिए वेट करें। नमस्कार।